नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुखिया बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की पहली रणनीतिक विदेश यात्रा पर निकले हैं। 6 दिन की यात्रा में एमपी के लिए इंटरनेशनल निवेशकों को आकर्षित करेंगे। इसके लिए 24 से 30 नवंबर तक यूके जर्मनी के बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य में निवेशकों को निवेश के लिए लुभाने विदेशी प्रवास पर हैं। उनका लंदन पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फर्ज बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। निवेश को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, इसकी सफलता भी मिल रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 दिवसीय विदेशी प्रवास पर हैं। सीएम यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में विभिन्न संस्थाओं और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। लंदन पहुंचने पर सीएम मोहन यादव का हुआ जोरदार स्वागत। यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी और प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वेस्टमिंस्टर स्थित ब्रिटिश संसद का किया दौरा। किंग्स क्रॉस और पुनर्विकास स्थलों का भी करेंगे दौरा। लंदन में फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में 400 से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 26 नवंबर को ब्रेकफास्ट पर उद्योगपतियों और भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोराई स्वामी से संवाद करेंगे। सीएम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश इंटरेक्टिव सेशन में लगभग 120 प्रतिभागियों से चर्चा करेंगे सीएम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 27 नवंबर को वार्विक यूनिवर्सिटी का करेंगे भ्रमण। सीएम डॉक्टर यादव 3 दिवसीय यूके के दौरे के बाद जर्मनी प्रवास पर रहेंगे। 28 नवंबर को बवेरिया राज्य सरकार के नेताओं और म्यूनिख में काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया से करेंगे चर्चा। फ्रेंड्स ऑफ एमपी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम और बैठक में लगभग 100 प्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। जैसा बता रहे कि निवेशकों को निमंत्रण देने गए हैं, तो उनको सूची दिशा जारी करना चाहिए था कौन कौन से लोगों को निमंत्रण देने जा रहे हैं, जिससे मानना पड़ेगा कितने लोगों से मिलकर आए हैं कि नहीं, और बाद में वो लोग निवेशक आ रहे हैं कि नहीं, शासकीय धन का उपयोग हो, इस बात की हम शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा है कम से सपरिवार उनकी यात्रा सफल हो। अब उनको सूची चाहिए, बता रहे हैं सूची मांग रहे हैं। अरे आइए ना, सूची हम देंगे आपको, लेकिन आपको देखना भी पड़ेगा क्योंकि उद्घाटन भी हो रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश को बढ़ता हुआ देख तकलीफ आपको क्यों हो रही, ये सवाल आप पर खड़ा हो रहा है। गौरतलब है कि राज्य में अगले साल फरवरी माह में ग्लोबल समिट होने वाली है। इस आयोजन में देश और दुनिया के ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, इसके प्रयास राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विविध आयोजन हो रहे हैं। राज्य के भीतर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। राज्य के बाहर भी मुख्यमंत्री ने निवेशकों से संवाद कायम किया, जिसमें निवेश के प्रस्ताव आए। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेशी प्रवास पर हैं। ऐसे में देखने लायक बात ये होगी कि सीएम के दौरे का आने वाले दिनों में यहाँ की जनता को कितना लाभ मिल पाता है। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्येन जैन हैं, बीजेपी प्रवक्ता अमित तावड़े जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं जिया मंजरी जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। पहला सवाल सत्येन जैन जी से कर लेते हैं। सत्येन जी, सीएम विदेशी दौरे पर है, क्या स्वागत लेकर आने वाले हैं प्रदेश के लिए? सीएम उनका पहला विदेशी दौरा है और मुख्य उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति को और तीव्र किस प्रकार से किया जाए। हमने देखा है कि हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर जहाँ -0.6% हुआ करती थी, माइनस में हुआ करती थी, वह आज 24% है और 24% से भी ज्यादा कैसे किया जाए, 24% से भी ज्यादा कैसे किया जाए, उसके लिए वर्तमान सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर भी जो समिट इन्वेस्टर समिट उसको उन्होंने क्षेत्रवार बांटा, रीजनल इन्वेस्टर समिट की रीजनल, और भारत के जो अनेक राज्य हैं उन राज्यों की ताकत की जो इंडस्ट्रियल हब है वहां जाकर के भी निवेशकों को निमंत्रित किया और इन्वेस्टर फ्रेंडली मध्य प्रदेश को बताया, जिसके कारण लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तो दे चुके हैं ये जो रीजनल इन्वेस्टर समिट हुई उसमें, और भारत के अंदर के जो अनेक राज्य हैं उन राज्यों के वहां से निवेश कौन है और लगभग 4 लाख के करीब
रोजगार सृजित होगा, ऐसा आश्वासन सभी उद्योगपतियों ने दिया है। और जिस प्रकार से अब मुख्यमंत्री जी विदेश गए हैं, उनका भी वहां पर भी यही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश का निवेश कैसे बढ़ाए। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का लगभग 4 लाख करोड़ के करीब का आज इंडस्ट्रियल निवेश हो चुका है, हमने पिछले 20-22 सालों में कर दिया है। और जो ऋणात्मक औद्योगिक विकास दर थी उसको पॉजिटिव कर दिया, जो निर्यात हुआ करता था वो आज लगभग 65-66 हजार करोड़ रुपए हो रहा था प्रतिवर्ष। और हमारा लक्ष्य भी है कि हम उसको शीघ्र से शीघ्र लगभग 2 लाख करोड़ का हमारा मध्य प्रदेश निर्यात करे। और हमारे मध्य प्रदेश में जो निवेश, मैं कह रहा हूँ जो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास का औद्योगिक निवेश भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अविरल अनथक प्रयास परिश्रम से, भागीरथी परिश्रम से आया है, उसको और हम कहते 20 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश के अंदर आ जाए, उसके लिए संकल्पित है। क्योंकि 20 लाख करोड़ का निवेश आएगा तो हमारी जो GDP है आज 16 लाख करोड़ के आसपास की है, वह कैसे 43 लाख करोड़ पर पहुंच जाए, यह भी हमारा लक्ष्य है। हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो बहुत शीघ्र जो हमारी GDP है मध्य प्रदेश की राज्य की, वह भी लगभग 43 लाख करोड़ के आसपास हो जाए। और जो विकसित भारत की संकल्पना है जिसमें कि भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाला है, हम आर्थिक साम्राज्य जी बिल्कुल सत्यन जी, जिस तरीके से अगर निवेश आएगा तो कहीं ना कहीं MP और भारत दोनों के लिए अच्छी बात है। अमित ताबड़ी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, सीएम मोहन यादव विदेशी दौरे पर हैं, क्या उम्मीद है, किस तरीके से कांग्रेस इसको देखती है? अच्छी बात है, पिकनिक मनाने गए हैं मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी। लेकिन BJP कह रही है कि निवेश आ रहा है, 4 लाख करोड़ तक का निवेश आ चुका है, इसको 47 लाख करोड़ पर पहुंचाना है, MP को हब बनाना है निवेशकों का। देखिए, पिछले 20 सालों का जो कार्यकाल हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आपने देखा होगा कि विज्ञापन तो जो है वो शिवराज सिंह जी के अमेरिका सच में लग गए थे, वहां के एयरपोर्ट और सच में विज्ञापन था। बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट होती थी, उद्योगपति आते थे, बड़ी बड़ी होटलों में रुकते थे, बातचीत होती थी, और धरातल पर क्या है ये आप और हम सब लोग जानते हैं। कई जगह बाबा रामदेव ने भी बहुत घोषणाएं करी थी, पतंजलि ने भी करी थी, और भी देश के जितने उद्योगपति हैं उन्होंने घोषणाएं करी थी। लेकिन मेन बात यह है कि मध्य प्रदेश के क्या कुछ सैकड़ा बेरोजगारों को भी रोजगार मिल पाया? अब मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की तरह पर यदि गए हैं विदेश तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका अधिकार है। लेकिन यदि पिछले इतिहास को देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के जी, तो ये सिर्फ एक पिकनिक के अलावा कुछ नहीं है। सौंदर्य के दर्शन करे गए हैं वो यूरोप, तो वो बिल्कुल हमारी शुभकामना है जी, बिल्कुल। लेकिन ये बात जरूर है कि मोहन यादव जी उसी दल के मुख्यमंत्री हैं जिन जिस दल की लगभग 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार थी, तो उन आंकड़ों को भी सामने रखना चाहिए कि कितने हमने विज्ञापनों पर खर्चा करा, कितना हमने इन्वेस्टर मीट पर खर्चा करा, कितना हमने होटलों पर खर्चा करा, कितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया पे विज्ञापनों में खर्चा करा, और हमारे पास कितना रिटर्न आया। तो मुझे लगता है कि जो जनता के पैसों पे वो घूमने गए हैं, जनता की जो मेहनत की कमाई है, मुझे लगता है जनता के सामने सारी पारदर्शिता होगी जी, बिल्कुल। अमित जी बिल्कुल, जिया मंजरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनसे सवाल कर लेते हैं। जिया जी, निवेश को लेकर सरकार तमाम कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रदेश में निवेश आए, निवेशकों को मनाने की कोशिश कर रही है, हर तरीके के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, आप कैसे देखती हैं इस पर, एक प्रतिक्रिया आपकी भी चाहिए। ग्लोबल समिट जो होने वाली है जी, उसके लिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही उपयुक्त प्रदेश है, जो कि इतने सारे संसाधन और इतनी हरित क्रांति रही है हमारे यहाँ पे। आपने देखा है कि शरबती गेहूं जो हमारा पूरी दुनिया में मशहूर है, हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते आए हैं खाद्य पदार्थों के, वो बहुत अत्यधिक होते आए हैं। यहाँ तक कि अगर हम गोंद पेंटिंग की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हस्तशिल्प है हमारे यहाँ का, वो बहुत फेमस रहा है विश्व में। और ये जो अभी ग्लोबल समिट होने वाली है, ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है, आगाज है। और मुझे लगता है कि देखिए, अभी कुछ अलग प्रकार के टूरिज्म डेवलप हुए हैं इंडिया में। हम अगर बात करें थोड़े समय से, जब से राम मंदिर स्थापित हुआ, तब से आध्यात्मिक टूरिज्म
और उससे कई वर्षों पहले से मेडिकल टूरिज्म चला आ रहा है। आप देखेंगे यदि तो मेडिकल टूरिज्म की जो बात हम करते हैं तो बहुत सारे यू नो यूएई कंट्रीज हो गए या फिर ऐसे आसपास की जितने भी कंट्रीज जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कॉस्टली है जी। और इस लेवल की नहीं है जो इंडिया में है। जो एक्सपोर्ट डॉक्टर्स हैं वो आप अगर बात करें तो यूएस में भी जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं जी। जो हम विश्व के एक एक स्तर की बात करते हैं तो उस स्तर की जब हम बात करते हैं तो उस स्तर पे हम ये बोलेंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्टर हैं वो भारतीय डॉक्टर हैं। तो उन स्थितियों में एक मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ी है इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एंड देन आफ्टर यू नो वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम बात करते हैं कि खाद्य पदार्थों की तो सिर्फ खाद्य पदार्थ उगाना ही नहीं उनसे जो बाय प्रोडक्ट पैदा होता है। सीएम जो गए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग खाद्य पदार्थों के लिए और जो व्हीकल्स हैं उन सारी चीजों को लेकर वो विदेशी दौरे पर वहाँ बात भी कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा है उसके लिए काम भी कर रहे हैं। देखिए वो निवेशक वहां से मध्य प्रदेश में कैसे आए उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जो लाइट व्हीकल अभी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जी उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत सारे देश चाहते हैं ऐसे देशों में लगाना जहां पे कि इजीली युवा जो काम करने वाले लोग हैं जो यू नो मैन पावर है वो उनको मिल पाए, स्किल्ड मैन पावर मिल पाए, यंग मैन पावर मिल पाए। उसके लिए मध्य प्रदेश एक बहुत ही उपयुक्त राज्य है जहां पे कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी बहुत लीनियंट रखी गई हैं, बहुत सपोर्टिव रखी गई हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल होगी जहां पर क्या कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स लगे, कुछ फार्मास्यूटिकल यूनिट्स लगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है। अब हमें थोड़ा सा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है कि हमें किन किन क्षेत्रों में अपनी भौगोलिक दशाओं के अनुसार इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना है। जी बिल्कुल, सत्येन जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है। सत्येन जी इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई प्रयास कर चुके हैं लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। मुझे लगता है कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई प्रदेश में जिससे बेरोजगारों को रोजगार उसमें मिल सके। जो हमारा निर्यात बड़ा है जो आज 66,000 करोड़ के आसपास का निर्यात है और हम कह रहे हैं इसको 2,00,000 करोड़ रुपए हो जाए प्रतिवर्ष, यह हमारे जो विदेश जो दौरे हैं उनके कारण ही तो प्रतिफलित होता है। और आप देखें हम जो लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो हमारे मंजरी जी मैडम है उन्होंने बताया तो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्क बना रहे हैं, हम डिफेंस पार्क जबलपुर में बना रहे हैं, तो हम चंबल क्षेत्र में भी डिफेंस पार्क बना रहे हैं, एयरोस्पेस पार्क भी बना रहे हैं जिसमें कि हमारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए भी उद्यमों को। सत्येन जी आरोप कहीं ना कहीं ये लगते हैं कांग्रेस बार बार कहती है कि बना रहे लेकिन धरातल पर कब देखने को मिलेंगे, मुद्दा है कि धरातल पर नहीं दिखते हैं। इस ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं लगातार, इन्हें भी कहती है कागजों में काम होते हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखाई देते हैं। नहीं 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 अरुण जी मैं सहमत नहीं हूँ कांग्रेस के आरोपों से। कांग्रेस जरूर क्या है कि कांग्रेस ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, जिनके नेत्र जो बंद हो जाते हैं ना उनको कुछ दिखता नहीं है या जिनको कैटरेक्ट होता है मोदी अबिंद हो जाता है। आप देखिए 2003 में 12 पूरे प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, आज 10-12 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और आज 500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और अभी हम 1 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया नए और डेवलप कर रहे हैं। अब उनमें कौन जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का शासनकाल आप निकल लीजिए आपके पीसीआर से भी तो आपको बता देंगे कितना निवेश आया था पूरे 10 साल के शासनकाल में 400 करोड़ का ही निवेश आ पाया था औद्योगिक निवेश। अभी अमित तावड़े जी ने कहा था कि सीएम गए हैं पिकनिक मनाने, गए हैं पिकनिक मना के आ जाएंगे, पिकनिक मनाने का अच्छा तरीका है, विदेश भी घूम लेंगे और जनता से कहेंगे कि निवेशकों को लेने गए थे न्योता देने गए थे, निवेश बढ़ेगा, जनता के पैसे को खर्च किया जा रहा है, प्रदेश की स्थिति पहले से अच्छी है नहीं। नहीं 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 देखिए हमने ये 70,000 करोड़ की जीडीपी वाले राज्य को 16,00,000 करोड़ से ज्यादा की जीडीपी के राज्य कर दिया और लक्ष्य लेके चल रहे 45,00,000 करोड़ की जीडीपी 2030 से पहले करने का संकल्प हमारा है।
तो मुझे ये लगता है कांग्रेस जो भी विरोध करती है, अगर औद्योगिकरण का विरोध करती है कांग्रेस, और अगर इस प्रकार के जो हम उद्यमशीलता के कारण 66,000 करोड़ रुपए का निर्यात करने लगे या 2 लाख करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ का निर्यात का लक्ष्य लिया हुआ है, तो कांग्रेस निवेश विरोधी भी है, कांग्रेस मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की विरोधी है, कांग्रेस मध्य प्रदेश के आर्थिक संरचना की विरोधी भी है। जो हम 500 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र बना दिए हैं, काम चल रहा है, मतलब वहां प्रोडक्शन हो रहा है, उन सबकी भी विरोधी है। कांग्रेस निवेशक विरोधी है, कांग्रेस लघु उद्यमियों की विरोधी है, कांग्रेस मतलब विनाश चाहती है, विकास नहीं चाहती मध्य प्रदेश का, ये इंगित होता है। अरे सोचिए, जहां 350-400 करोड़ का निवेश 10 साल शासन करके ला पाए, और जो ब्रिजस्टोन दिग्विजय सिंह जी के समय हम कह रहे हैं 4 लाख करोड़ के आसपास का निवेश मध्य प्रदेश में हो चुका है, और जो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी, आप देखिए किस प्रकार से आईफा अवार्ड करा रहे थे, ब्रिजस्टोन कंपनी है उससे पैसे दिलवा दिए, और ना वो हुआ, आज ब्रिजस्टोन कंपनी के पैसे कौन देगा, 40-50 करोड़ रुपए दे दिए गए, और एक इंडस्ट्री नहीं आ पाई थी, कहते थे कि हम इतना निवेश मैग्निफिशेंट, तब भी हमने उस समय भी विरोध नहीं किया था उनकी इस काम का, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। आप निकलवा लीजिए डेटा, हमारे समस्त शीर्ष नेताओं ने ये कहा था कि हाँ निवेश आए, अगर ये काम करे तो अच्छा काम है, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में शीर्ष नेताओं ने इसका स्वागत किया था। हाँ, अभी अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री चल पाई थी, तबादला उद्योग चल पाया था, या आप देखेंगे कि घोटाला चला जो कक्कड़ जी और उनके पास थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि जो निकली घोटाला जो जांच में निकला टैक्स जो रेड हुई थी, तो सिर्फ और सिर्फ इनके समय ट्रांसफर इंडस्ट्री पल्लवित हुई है, पुष्पित हुई थी। और सत्यन जी अगर कांग्रेस के पास निवेश को लेकर कोई अच्छा आइडिया है, अगर कांग्रेस निवेश को लेकर आपको कोई अच्छा आइडिया देना चाहे, तो क्या सरकार एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हम तो सदैव दसों दिशाओं से जो भी अच्छे सुझाव आते हैं, हमारे क्या गया, तो दसों दिशाओं से जो भी अच्छे सुधार सुझाव आते हैं, हम सभी उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, और उसके बाद ही तो हम आगे बढ़ते हैं, तभी तो हम लक्ष्य लेके आ पाए। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है अरुण जी, जो संसद में कहती थी कि अगले 30 साल लगेंगे, 2014 में वित्त मंत्री जी का भाषण है कि $5 ट्रिलियन की भारत इकोनॉमी होगा, तो 2044 से पहले नहीं हो सकता, हो जाएंगे $5 ट्रिलियन की इकॉनमी। तो आप सोचिए 16 साल पहले हमने इस लक्ष्य को पूरित करने वाले, तो तीव्र गति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही, मुझे लगता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या गुणात्मक वृद्धि के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भारत में आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के प्रति संवेदनशील है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित रही है और झलक रहा है, और हम कहते हैं हम तो लक्ष्य दे रहे हैं, आप देखिएगा रिव्यू करिएगा कि 2030 से पहले तक 2030 तक हम 45 लाख करोड़ की राज्य की GSDP कर देंगे। आप सोचिए कहां 70,000 करोड़ की GSDP थी, आज पे हम 16-17 लाख करोड़ पे हैं आज, और अब 45 लाख करोड़ का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। कहां 350 करोड़ का निवेश हुआ था, कहां औद्योगिक विकास दर माइनस में हुआ करती थी, ऋणात्मक थी, आज 24% से ज्यादा है। हम चाहते हैं 24% से भी ज्यादा होकर के 30% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। हम इसीलिए तो कह रहे हैं ये जो 12 औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, आज मध्य प्रदेश में 500 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं। हम काम कर रहे हैं, हम हर जगह काम कर रहे हैं, हम मल्टीफोल्ड डायरेक्शन काम कर रहे हैं, निसंदेह मध्य प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस अगर विरोध करती है तो कांग्रेस विनाशक है, मध्य प्रदेश के विकास की विनाशक है, मध्य प्रदेश के उद्यमियों की विनाशक है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश पल्लवित हो, पुष्पित हो, आर्थिक स्तंभन हो, कांग्रेस आर्थिक विरोध विकास की विरोधी है। जी बिल्कुल, अमित तावड़े जी हैं। अमित जी, 15 महीने की सरकार आपकी रही थी, कितना निवेश प्रदेश में आया था, क्या क्या निवेशकों को लेकर किया था कांग्रेस ने उस वक्त? देखिए, पहले तो मैं जवाब दे दूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो जवाब आप दे दीजिएगा, 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी ने चलाई थी। मैं आपको जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, मुझे उसका जवाब भी देना पड़ेगा। हाँ, वो भी दे दीजिए, इसका जवाब दे के उसका उनका भी जवाब दे दीजिए। देश में पहला IIT मेडिकल कॉलेज मत रोकिए अमित जी को, स्मार्ट सिटी की जवाहरलाल नेहरू जी ने बना दी थी, और अभी तक ये स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भोपाल की स्मार्ट सिटी की क्या हालत है ये देख लीजिए आप। शिवराज सिंह जी ने करोड़ अमित जी निवेश को लेके थोड़ी सी चर्चा हो जाए, उसके बाद अपन इस पे बात कर लेंगे किस तरीके, चलिए उसी को लेके बात कर लेते जी। यदि मध्य प्रदेश में अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ होता, कहीं बहुत अच्छी स्थिति होती,
तो आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश का स्लोगन है मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। मध्य प्रदेश में 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। 1,50,000 से लगी पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं। जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंपनियां लग रही हैं, फैक्ट्री लग रही है, तो क्या क्यों यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर इंजीनियर एमबीए करेंगे, ग्रेजुएट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे लोग? 25 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। 20 साल से इनकी सरकार है, जब 2003 में कोई बच्चा पैदा हुआ होगा आज उनको नौकरी की जरूरत है, बातों की जरूरत नहीं है। मैं एक और बात का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। जब भारत ने विश्व कप जीता था, इसी भोपाल की धरती पे इनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि मैं 1 साल के अंदर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, वो भी अंतर्राष्ट्रीय मदद से। उस क्रिकेट स्टेडियम की एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक भोपाल शहर में। ये वास्तविकता है इन लोगों की। झूठ बोलो, लगातार बोलो, हाथ में हाथ मिलाकर बोलो, लगातार बोलते रहो। ये लोग आंकड़ों की जादूगरी करना चाहते हैं। अमित जी, आप ही मानते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से सीएम पद पे बैठे हैं, प्रदेश में एक के बाद एक इन्वेस्टर समिट हो रही है, हर संभाग में निवेशकों को बुलाया जा रहा है, चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं अगर 100 निवेशकों को बुलाया गया हो, 1,000 निवेशकों को बुलाया गया हो, तो 100 तो कम से कम उसमें आएंगे। मुझे एक बात बताइए, एमओयू साइन हो रहे हैं, अभी बताया 47 लाख करोड़ तक उन्हें पहुंचाना है, 4 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है प्रदेश में। देखिए, जब किसी प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल, आप कल्पना करिए, जब मध्य प्रदेश में लास्ट इन्वेस्टर मीट हुई थी जी, तो मुख्यमंत्री सचिवालय के 2 प्रमुख सचिवों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब जो उद्योगपति आए, उनसे मिले, उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपको विंडो विंडो नहीं जाना पड़ेगा, हम आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे जी। 1 महीने बाद ये स्थिति होती है कि उन दोनों प्रमुख सचिवों को हटा दिया जाता है मुख्यमंत्री सचिवालय में। आज वो कौन से विभाग में है, आप कल्पना करिए। तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है, इसने पूरे सिस्टम को खराब करके रखा हुआ है जी। सत्येंद्र जी, आपका जवाब देना चाह रहे। सत्येंद्र जी, हाँ अरुण जी, मैं हाँ दो जवाब है। देखिए, 15 महीने में कमलनाथ जी के समय औद्योगिक विकास ठप हो गया था, और मैं जो आपको बता रहा हूँ डेटा कि इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को लेकर के, अंबानी की कंपनी जो है ना, उनकी कंपनी अनिल अंबानी की कंपनी को 330 करोड़ रुपए की रिबेट देने का काम भी, मतलब 330 करोड़ रुपए की उनके पास सरकार की पेनल्टी बनती थी, सरकार को देनदारी बनती थी, उसको माफ करने का काम किया था। तो मतलब भारतीय मध्य प्रदेश के खजाने को भी चोट पहुंचाई थी, और कांग्रेस के समय निवेश नहीं आए। कांग्रेस ने देखिए, 4 रोजगार की बात मेरे मित्र कह रहे थे, 1 युवा को 4 रुपए भी नहीं दिए थे, 4,000 रुपए देने का बात की थी बेरोजगारी भत्ता। और खुद इनके समय ही कमलनाथ जी ने विधानसभा में डेटा दिया था, पटल पर रखा था कि 1 साल में कमलनाथ जी की गलत नीतियों के कारण लगभग 8 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हो गए थे, 20 लाख से 28 लाख के आसपास। 25 लाख बेरोजगार आज भी रजिस्टर्ड हैं, अभी अमित ताबड़े जी ने बताया। 5 साल में 40 लाख हो जाते, और तो 20 लाख थे तो 60 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो जाते कमलनाथ जी के समय ही। अगर आज 25 लाख बेरोजगार हैं तो मात्र 5 लाख। सत्येंद्र जी, अब रोकना चाहूंगा, समय का अभाव हमारे पास। सत्येंद्र जी, अब रोकना चाहूंगा, काम किया है जी। हाँ, मंजरी जी से कांग्रेस हो रही थी आखिरी अरुण जी, बस 10 सेकंड और, मुझे 10 सेकंड समय नहीं है, कल फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, कल फिर चर्चा करेंगे। सत्येंद्र जी, आज रोकना चाहूंगा। कांग्रेस हो गई अरुण जी, अरुण जी कांग्रेस बेरोजगार जरूर हो गई 25 साल से मध्य प्रदेश में, 15 साल से जी बिल्कुल देश में। जिया मंजरी जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस प्रवक्ता जी से एक सवाल। जिया जी रोकना चाहूंगा, एक अमित ताबड़े जी लास्ट कमेंट है, कम समय में अपना जवाब दीजिए। निवेशकों को लेकर आपके पास कोई आइडिया हो तो आप क्या सरकार के साथ उसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं? विरोध करना एक तरीका है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अमित ताबड़े जी रोकना चाहूंगा, जिया जी आपको रोकना चाहूंगा। अमित ताबड़े जी, निवेशकों को लेकर आपके पास कोई आइडिया है जो सरकार के साथ आप शेयर कर सके? देखिए, सबसे पहले तो सत्येंद्र जी ने जो कहा कि इतने समय का अभाव, अमित जी जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्तों के लाखों करोड़ रुपए माफ करे, तो वो क्या ठीक है? अमित जी रोकना चाहूंगा, जी मंजरी जी के पास ही जाते हैं। जिस प्रदेश में अमित जी समय का अभाव, रोकना चाहूंगा, आप सवालों से बच रहे हैं। अमित जी रोकना चाहूंगा, जी मंजरी जी निवेश पर संक्षेप में लास्ट प्रतिक्रिया आपकी चाहता हूँ। जी मंजरी जी सरकार के ऊपर ही कोई भरोसा नहीं। अमित जी रोकना चाहूंगा आपको, अमित जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव। जी मंजरी जी, निवेश को लेकर संक्षेप में एक टिप्पणी चाहिए, समय का अभाव।
जी देखिए ऐसा है कि जो हम बात करें बेरोजगारी की जी, तो स्किल्ड वर्किंग वीजा, एजुकेशन वीजा, ग्लोबल टैलेंट वीजा, ये तीन प्रकार के वीजा जो है प्रोवाइड करता है यूके। अगर हम यूके की बात करें और अन्य देश भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, स्किल्ड जो लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, वो वहां जाकर के फर्दर स्टडीज करके भी 3 साल वर्क कर करके और वो अर्न कर सकते हैं। हम स्किल्ड वर्कर वीजा की बात करते हैं, तो हमें एक चीज पे फोकस करने की आवश्यकता है कि वीजा भी थोड़ी कम हो हमारे युवाओं के लिए कंपैरेटिवली, जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स, जो यंग वर्क फोर्स है, उसको बाहर भेज पाए और वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था। लेकिन सरकार तो बाहर से निवेशकों को मध्य प्रदेश ला रही है, भारत में ला रही है, तो बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए निवेश, जब हम निवेश की बात करते हैं, तो निवेश सिर्फ एक तरफा नहीं होता, हमेशा बायलेटरल और डुअल और म्यूचुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है जी। समय का अभाव है, समय का अभाव है जिया जी, आपको रुकना चाहूंगा, कल फिर मुद्दे पर चर्चा करें। सत्येन जी हमारे साथ जुड़े बीजेपी प्रवक्ता, अमित ताबड़े जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस प्रवक्ता, जिया मंजरी जी राजनीतिक विश्लेषक, आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।